आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर सियासत किस तरीके से गरमाई है। कल होना है भूमि पूजन, लेकिन उससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राम मंदिर के भूमि पूजन पर एक बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि राम सब में है, सबके साथ है। सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता, दीनबंधु, राम नाम का सार है। प्रियंका ने कहा है कि रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। प्रियंका का ये बयान इस लिहाज से अहम है कि पहली बार गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य ने इस तरह का कोई बयान दिया है और राम मंदिर से जुड़े किसी कार्यक्रम का समर्थन किया है। मित्र, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये वो जाने। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम और सीता माता की जो व्याख्या, भगवान श्री राम के आदर्शों और मर्यादाओं की जो व्याख्या श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी ने आज अपने इस स्पष्ट वक्तव्य में की है, इसके बाद व्यक्तियों को परस्पर कोई अगर छींटा कशी करता है तो ये वो जाने, क्योंकि राम तो सबके हैं। राम तो सबके हैं। और कांग्रेस के एक और नेता आज भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। कमलनाथ अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उधर कल अयोध्या में प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं और वहां भी हनुमान गढ़ी में मंत्रोच्चारण चल रहा है। और इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का राम मंदिर कार्यक्रम को समर्थन करना। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले मध्य प्रदेश में माहौल बन गया है पूरी तरीके से राममय, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। मंदिरों में आप सामने देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी तरीके से भक्ति के नाम में लगे हुए हैं और उनके घर पर हनुमान चालीसा का बड़ा पाठ हो रहा है। कमलनाथ वैसे ही हनुमान का बड़ा भक्त माना जाता है। उन्होंने छिंदवाड़ा में भी भगवान हनुमान की 101 का पाठ करवाया है और समय समय पर हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित तौर पर भी करवाते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है जब संपूर्ण मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कांग्रेस के मांग के चल रही है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी उसका दे सकती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आने वाले 27 सीटों का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी अकेले राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेते हैं। इसीलिए ये एक बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में करते हुए कांग्रेस से साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में उसके चुनाव प्रचार में नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।